वर्ल्ड फार्मासिस्ट डे के अवसर पर UNSPS शाखा सिद्धार्थनगर में मंडल स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन एस पैलेस मैरिज हॉल इटवा सिद्धार्थनगर में किया गया, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। सरकार द्वारा फार्मेसी संवर्ग के उत्थान के लिए भविष्य में प्रोग्राम तय किए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुनीत त्यागी जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश में PPR यानी फार्मासिस्ट प्रैक्टिस रेगुलेशन 2015 के लिए लगभग 7000 लेटर माननीय स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक जी को भेजे गए। मंत्री जी द्वारा उस पर कार्रवाई की जा रही है। सभी पत्र DG हेल्थ स्वास्थ्य विभाग को भेजे जा चुके हैं। संगठन द्वारा 26 सितंबर से आने वाले 5 अक्टूबर तक पूरे प्रदेश में नियुक्त के लिए 10 दिवसीय कार्यक्रम चलाया जाएगा। इस कार्यक्रम में डॉक्टर सतीश द्विवेदी एवं ड्रग इंस्पेक्टर सिद्धार्थनगर एवं इटवा नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए और फार्मासिस्टों का मनोबल बढ़ाया। इस कार्यक्रम के संचालन प्रेम गुप्ता भोजनवाल ने किया। कार्यक्रम में प्रदीप शुक्ला, सुनील शुक्ल, डॉक्टर अमित शर्मा, अवधेश मध्यसिया, सैकड़ों फार्मासिस्ट मौजूद रहे। मैं तो बस एक सामान्य व्यक्ति की तरह इतना जानता हूँ कि एक बार को डॉक्टर ना हो तो हॉस्पिटल चल जाएगा, क्लिनिक चल जाएगा, लेकिन अगर फार्मासिस्ट ना हो तो डॉक्टर साहब अकेले नहीं चलेंगे। हमारे देश के चिकित्सक जिस तरह से दवाइयों के पर्चे लिखते हैं, अगर आप ना हो तो समझ में नहीं आएगा कि वो पैरासिटामॉल लिखा है कि कम्बीफ्लान लिखा है। यद्यपि आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट और मेडिकल की पढ़ाई भी देश की भाषाओं में, जहाँ हिंदी बोली जाती है वहाँ हिंदी में, जहाँ कन्नडा बोली जाती है वहाँ कन्नडा।